धार जिले के पीतमपुर में बीती रात को 1 बजे जिला प्रशासन तब हरकत में आया जब पता चला कि इंदौर से आया हुआ एक युवक कोरोना संक्रमित है। पीतमपुर के राम रतन पटेल नगर में वह निवास कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद संक्रमित मरीज को इंदौर अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले मरीज मयूर हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती हुआ था। 13 तारीख को कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट आई है। प्रशासन में रात्रि 2 बजे संक्रमित मरीज को इंदौर भेजा और उसके संपर्क में आए रिश्तेदारों और करीब 14 लोगों को धार जिला भोज अस्पताल में वह जहां रहता था राम रतन पटेल नगर के 4 किलोमीटर एरिया को सील कर दिया गया है। पीतमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। ये रहने वाला महू का था जी, यहाँ आ गया था और इसके संपर्क में जितने भी लोग हैं सबको अंदर रहने के लिए कहा गया, होम आइसोलेशन के लिए। बाकी जो लोग थे उनको क्वारंटाइन सेंटर धार भेज दिया। नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर चमनदीप सिंह अरोरा, बीएमओ नालचा। जी सर, जैसी जानकारी मिली पॉजिटिव मरीज है यहाँ पर, कैसे सर पुलिस ने इसको करा सर? आज महू से ये जानकारी मिली थी कि वहाँ के एड्रेस दिया गया था किसी पेशेंट द्वारा और वो यहाँ आया है, तो प्रशासन के साथ मिलकर तहसीलदार साहब सीएमओ साहब के साथ मिलकर एरिया को सील किया गया है। आने वाले जाने वाले मार्गों को बंद किया है और कल पीतमपुर नगर के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि इसको पूरे शहर को आवागमन के लिए या इनके संपर्क में लोग ना आए ऐसी व्यवस्था की गई। थे 4 और हमारे स्टाफ के ही है 4 लोग। एक तो जो इस्लामुद्दीन की जो कॉन्टेक्ट में आया एक सीपर है और 2 स्टाफ 3 स्टाफ नर्स है। तो एक 2 स्टाफ नर्स है और एक रामकन्या का भाई है जो महाजन में जो इन्फेक्टेड हुई थी, पॉजिटिव आई थी, वो तो भाई उसके साथ ही रहता था तो वो भी पॉजिटिव आए। अभी दूसरे जो सैंपल उसके घर वालों के गए हैं वो अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, हो सकता है उससे भी पॉजिटिव। सर अल्ताफ खान जो पहला मरीज पाया गया था उसके परिवार की अभी तक रिपोर्ट नहीं, पत्नी के अलावा उसके बेटों की? नहीं, पत्नी की रिपोर्ट आ गई है। पत्नी तो पॉजिटिव है, अपने ही भर्ती है, और बेटों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। सर ये संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो इसके लिए क्या एहतियात और बढ़ाई जाएगी आपसे? नहीं, हम अपने जो हमारा जो स्टाफ है उसको थोड़ा हमने सतर्क करेंगे, वो अपने प्रिक्यूशन बरते और सावधानी से काम करें। सर ग्राउंड पे आपकी जो नर्सें हैं सब काम कर रही है, 4th क्लास के जो आपके लोग काम कर रहे हैं उनके पास जो है किट की समस्या है कि किट नहीं मिल पा रहे उनको, सही तरह के मास्क नहीं, इस तरह की शिकायत है? नहीं नहीं, ये जो शिकायत निराधार है, सारी किट हैं, सारे मास्क हैं, ग्लव्स हैं, दवाइयाँ हैं, सारी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अब संख्या को टोटल अगर उनको कोई शिकायत हो तो मेरे संपर्क करें, आपको जहाँ जनता में बता रही है। तो संख्या टोटल 10 हो गई सर? हाँ 10 हो गई, वो यहीं आसपास के हैं, बाहरी कोई नहीं है। इससे बाहरी कम्युनिटी स्प्रेड इसको नहीं माना जाए, काम करने वाले इससे इन्फेक्टेड हुए हैं तो हम इसे एहतियात बरत रहे हैं, उनको हटा रहे हैं वहाँ से जो उनके कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, दूसरे नए कर्मचारियों को पेरीफेरी से डिप्लॉय करें। सर ये महू का कोई व्यक्ति को पीतमपुर से कोरोना पॉजिटिव में पकड़ा है सर, क्या है मामला? ये महू का रहने वाला है और ये वहाँ पर यास का होटल उसके पीछे कोई बस्ती में रहता है, मयूर हॉस्पिटल में इसका इलाज चला था, वहाँ से कुछ सैंपल गया होगा, इसके बाद पॉजिटिव की रिपोर्ट कर ली आई है। तो इसको अपन ने फिर से डिटेन करके और अरविंद भिजवा दिया है, इसके परिवार वालों को 14 लोगों को यहाँ पर जांच के लिए लेके आए रात को, उसकी जांच हो, अगर हाई रिस्क होंगे तो इनको यहाँ रखेंगे, लो रिस्क वालों को क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन में रखेंगे। जैसे भी इनकी अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको भी फिर इलाज के लिए यहाँ आएंगे। मतलब अभी तक अपने जिले में तो सर अगर यूँ बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव के 5 ही मामले गिने जाएंगे ना? क्या इसका एड्रेस भी तब यहाँ का मधु का है ये रिपोर्ट में है और उसके घर वाले बताते हैं यहाँ काम करता है, तो अभी अपन इंदौर का ही इसको मान सकते हैं। अभी धार में केवल 5 केस ही इसको बताएंगे अपन। सर ये धार के जिला अस्पताल में कल किसी संदिग्ध व्यक्ति की मौत हुई थी जिसको फलघाट से यहाँ पर रेफर किया गया था धमनो से, तो सर इसका क्या था मामला पूरा ये व्हाट्सएप पे चलता है? नहीं, जनरल को बीमारी थी, मेंटली डिस्टर्ब था और फिजिशियन ने बताया कि उसको जो है ऑल ट्यूबरक्लोसिस थी, ऑल टीवी थी उसको। सर
ये एक पॉजिटिव मरीज आया है, कैसे जानकारी मिली, क्या आपने व्यवस्थाएं की पूरी? आज जी महू जिला इंदौर के प्रशासन द्वारा हमको सूचना दी गई थी कि एक मरीज जो पॉजिटिव पाया गया था, जिसने मयूर हॉस्पिटल में अपना पता इंदौर पहुंचा दिया है, ये महू तहसील का दिखाया गया था, वो महू में मिल नहीं रहा है, और बाकी जो लोग थे इसके साथ पीतमपुर में है, पीतमपुर धार पहुंचा गया है 14 लोग। जिला प्रशासन के सहयोग से हमने उसको ट्रेस किया, यहाँ पर जो रामरतन नगर कॉलोनी पटेल नगर कॉलोनी है पाया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा उसे घर के चारों साइड में पहरा दिया गया, और हमने धार जिले से पूरी टीम बुलाई गई हॉस्पिटल की, और उसको ट्रेस करके उसने अरविंदो हॉस्पिटल भेजा है, और उसके घर वालों को सभी को लगभग 14 लोग हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर धार भेजा गया है। सर ये इंदौर से कब आया था और इसकी पुष्टि कैसे हुई सर कि ये पॉजिटिव है? इंदौर के मयूर हॉस्पिटल से इसको डिस्चार्ज कर दिया गया था 10 तारीख को, और उसकी रिपोर्ट 13 तारीख को आई, तो जब रिपोर्ट आई तो उनको पेशेंट मिला नहीं हॉस्पिटल में, जब उनको ट्रेस करने की कोशिश की गई होगी, उसके पश्चात जब इंदौर जिला प्रशासन द्वारा हमको सूचित किया गया कि सितंबर में आप ट्रेस करें, एक उन्होंने हमको यासिका होटल का पता दिया था कि वहाँ आसपास हो सकता है, तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसको ढूंढा गया, तो यहाँ इसके पीछे पाया गया जी। जितने लोगों के संपर्क में आए हैं उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया है सर? अभी उसके परिवार वाले और जो उसको डिस्चार्ज करा के लाया था उसका मित्र, ऐसे उनके संपर्क में आए 14 लोगों को क्वारंटाइन किया है, बाकी लिस्टिंग की जाएगी कि किस किस लोगों के संपर्क में ये आया था, फिर उनसे हम क्वारंटाइन कार्रवाई करेंगे। सर जानकारी आई है कुछ व्यापार भी करता था यहाँ पीतमपुर में, ऐसा भी है क्या कुछ? अभी प्राथमिक सूचना है कि ये फल का व्यापार करता था, जो किले पर लगा के फल बेचता था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।